हेलो गाइस, दिस इज़ गुरबीर सिंह एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल की। अगर आपको पसंद आएगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस पूरी वीडियो को देखने के। गाइस, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको आनी चाहिए समझ एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक माई हिंदी लैंग्वेज, बट माई मदर टंग इज़ पंजाबी। सो चलो कोई चक्कर ही नहीं, बीच बीच में बोल लेंगे, है ना पंजाबी। आज मैंने ये वीडियो इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो आगे हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि कनाडा की जो हमारी स्टडी एप्लीकेशन लग रही है, आपको भी पता है कोविड की वजह से कितना, मतलब कि बहुत रुका था, ये हॉल्ट हो गया था पूरा प्रोसेस, तो फिर सब प्रॉब्लम में आ गए थे कि नहीं। तो चलो गाइज, ये तो बात की बात है, बट आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जैसे कि जो सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ है हाउ टू गेट पेमेंट लिंक एज सून एज पॉसिबल। तो गाइज, आपको पता ही होगा जिनकी PPR आ गई है और उनको, चलो वो तो खुशी की, वो तो भाई सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है हमारी लाइफ का अगर PPR आती है, मतलब कि आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट भेजना होता है स्टैंप के लिए। तो उसके बाद लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। वो एजेंट को भी कॉल करते हैं, चलो जिनकी एजेंट बता देते हैं, चलो वो बेटर है, जिनके कहते हैं कि खुद करो, चलो उनको लिए, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम सी होगी ना कि क्या करना क्या नहीं। तो गाइज़, मैंने खुद इतनी फेस की है प्रॉब्लम, मुझे खुद 10 डेज लगे पेमेंट लिंक लेने आने के लिए। बट गाइज़, एक चीज़ बताता हूँ, आपको कनाडा जाके खुद ही चीज़ करनी है तो यहीं से आपको एक, मतलब कि गॉड आपका टेस्ट कर रहे कि आप क्या करते हो अपने लिए। तो फिर मैंने भी ऐसे किया, अपने मतलब दोस्तों से पूछा, बट पूछ पाछ के सब कुछ कर ही लिया, फाइनली मेरे को पेमेंट लिंक आ चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे स्टोरी का। तो गाइज, मेरा ये टॉपिक है आज का कि हाउ टू गेट पेमेंट लिंक एज सून एज पॉसिबल। जो देखो गाइज, PPR आने के बाद हमको एक पासपोर्ट वाली एक मेल दे देते हैं, उसका नेम है जैसे कि उस मेल का पासपोर्ट सबमिशन vfshelpline.com। तो गाइज़, उसमें क्या करना होता है, हमको ना एक नॉर्मली मेल ऐसी सेंड कर दो कि मेरे को इस डेट पे आइए PPR और मेरा प्लीज़ कैरी कर लो पासपोर्ट। एंड सबसे पहले मेल शुरू से करने से पहले आपको नेम लिखना होगा अपना, ठीक है। तो और पासपोर्ट रिक्वेस्ट PDF ही अटैच कर देना उस मेल, वो एक नॉर्मल मेल है बट आपको करनी करनी है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना फिर प्रोसेस स्टार्ट ना होगा। फिर आपको एक ऑटोमेटेड आ जाती है रिस्पॉन्स जिसमें लिखा होता है कि डिटेल्स होती है आपको देनी होती है TXT फाइल में, एंड आपको जो हाई कमीशन से जो मैसेज आता है, जो आपका PPR होता है, गोल्डन मेल होती है, उसको भी आपको अटैच करना होता है। और गाइज, आप ये मत सोचो कि मतलब TXT फाइल में क्या करना है, आप कन्फ्यूज मत हो, उसमें बता देता हूँ। जो उन्होंने डिटेल्स दी होती है डब्बों में, जैसे कि डिटेल्स एप्लीकेंट 1, 2, 3, 4, 5 जितने एप्लीकेंट्स हैं उसके हिसाब से आप डिटेल्स फिल करो, एंड जो जैसे होता है नेम, एड्रेस, पिन कोड फॉर कलेक्शन, डिजायर डेट, एंड ये सब कुछ होता है। और एक और गाइज नीचे होता है कि SMS सर्विस अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो, वो बेटर है क्योंकि मैंने भी ऑप्ट की है, एंड प्रीमियम लोन जिन्होंने ली है वो यस करेंगे, जिन्होंने नहीं ली वो नो करेंगे। तो बायोमेट्रिक्स कहाँ पे एनरोल हुई है वो भी उसमें होता है TXT फाइल में, कि आपकी जलंधर हुई है, चंडीगढ़ हुई है, अमृतसर हुई है, और भी जगह होती है मुंबई, तो जहाँ पे भी हुई है वो आपको फिल करके देनी होगी। चलो गाइज, आप सोचते होंगे कि चलो ये सब ऐसे ही बताते हैं, इसने भी नहीं बताया। चलो गाइज, मैं बता देता हूँ, इसमें एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, जब भी आपको मेल करनी है VFS वालों को, जो पासपोर्ट सबमिशन vfshelpline.com में एक मेल करनी है, वो मेल आपको मंडे टू फ्राइडे करनी है 8 AM टू 10 AM के बीच में। मैं तो बोलता हूँ कि आपको 9 AM से पहले पहले वो मेल कर देनी चाहिए, वो बेटर होगा आपके। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड की भरी थी 8:06 पे मैंने सुबह सुबह मेल कर दी उनको। और गाइज, हाँ इम्पॉर्टेंट है, जब आप मतलब कि उनको मेल करोगे ना, तो जो नॉर्मली भी करोगे मेल उसमें भी सब्जेक्ट आपको रखना है एप्लीकेंट नेम, UCI नंबर और आपको एप्लीकेशन नंबर आपका, जो स्टूडेंट के लिए वो S से शुरू होता है, वर्क परमिट का अलग होता है, W से शायद आई थिंक, और जो भी है उनका अलग अलग, आप देख लेना। तो उसके बाद क्या करना था, वही आपको मैंने पीछे बताया था स्टेप, वो करके देन उसके बाद आपको वही TXT फाइल, पासपोर्ट रिक्वेस्ट PDF अटैच करके आपको कर देनी है मेल। मैंने भी ऐसे किया था अपनी फ्रेंड का। तो मेरे को गाइज, फिर उसके बाद हमको एक थैंक यू फॉरवर्ड ईमेल आता है कि जिसमें बोलता है कि आपको पेमेंट लिंक शेयर कर दिया जाएगा जब आपकी डिटेल्स ऊपर वाली देख लेंगे हम। तो गाइज, मेरे को तो बहुत दिन लगे, वो आपको बताता हूँ आगे, बट मैंने अपनी फ्रेंड्स का, जो मेरी फ्रेंड थी ना जिसका मैंने भरा था, तो गाइज उसका ना 15 मिनट्स के बाद ही आ गया, जैसे कि 8:06 को मैंने मेल की और 15 मिनट के जो प्रोसेस था उनका मेल आना होना, जो लास्ट वाला आता थैंक यू फॉर, वहाँ तक हुआ, फिर 15 मिनट्स बाद मेरे को पेमेंट लिंक आ गया, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो गाइज, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मेरे को एक दोस्त ने बताया था कि आप 8 से लेके
10 बजे तक आप मैसेज करना उनको, क्योंकि उस समय शायद हाई कुछ होगा, करते ज़्यादा ध्यान देते होंगे क्या पता, बट मैंने कर दिया था। और सब्जेक्ट वही रखना है जो मैंने आपको बताया। और जिन्होंने प्रीमियम लॉन्च दिए, मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि प्रीमियम लॉन्च के लिए एक अलग वो बोलते हैं कि सब्जेक्ट रखो, वो आप देख लेना। जिन्होंने प्रीमियम नहीं लॉन्च, जो प्रीमियम लॉन्च जो लेते हैं आजकल सर्विस मिल रही है, अगर जिन्होंने नहीं ली वो तो ऐसे ही रखो जो मैंने जैसे बोला है, बाकी जिन्होंने लिए वो देख लेना अपना। हाँ गाइस, ये बहुत अच्छी ट्रिक है और ये वर्क की है और मैंने आपको शेयर भी किया है कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। अपनी बात करता हूँ, मेरा क्या हुआ, जब मेरे को ना 18 को मेरी PPR आई थी, तो मेरे को 21 तारीख को पता लगा कि मेरा मतलब कि असली PPR आई है, बट मेरे को पता लग गया था 18 को मैसेज आ गया था, बट मेरे थोड़े एजेंट बिजी थे तो दैट्स वाई थोड़ा लेट हो गया। और वो दो दिन बहुत मतलब कि भयंकर से निकले, जैसे कि हाथ मतलब कि तेल फेल सब कुछ हो गया था, कुछ सूझ नहीं रहा था, खाना भी नहीं खाना होता था, तो गुम हो जाना कहीं, क्या होगा क्या होगा, फिर प्रे करता था रोज, तो चलो आ गया शुक्र है गॉड का। तो गाइस फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 21 को की मेल है ना, वो 1 PM को, तो मैंने प्रे रखी थी गॉड से अगर मेरा आ जाएगा तो फिर मैं मतलब कि हाँ यहाँ पे हमारे गोल्डन टेम्पल एक मतलब कि टेम्पल है ना, तो वहाँ पे मैं मत्था टेकन जाऊँगा, वो एक होता है कि मतलब कि वहाँ पे जाके पूजा एक ऐसी होता है, तो मैं वहाँ पे मत्था टेक के आने वाला था। तो मैं जाते जाते फिर मैंने उनको मेल कर दी थी 1 PM को, तो वहाँ से मेरे को टाइम लग गया, वहाँ पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो TXT फाइल क्रिएट करनी थी, मुझे कुछ नहीं पता था गाइज, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी आते आते, तो फिर मेरे को 6 PM लगे उनको रिप्लाई करने में, तो फिर उनका सब कुछ आ गया था, थैंक यू फॉर ईमेल। तो गाइज़ फिर बाद में मेरे को मेल मूल कुछ नहीं आई थी, फिर एक दिन बाद मैंने मेल की, फिर उसके बाद मैंने 2 दिन बाद की, फिर उसके बाद 2 दिन, फिर 26 तारीख को मैंने फिर से मेल की। तो गाइज़ फिर मेरे को 26 तारीख को पता लगा कि एम्बेसी ऑफ है, वैसे ही ऑफ हो गई, तो मैंने सोचा यार उनको तो कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा होगा मेरा मैसेज, तो फिर हम थोड़ा रुक जाते हैं। 25 to 28 एम्बेसी ऑफ थी ड्यू टू क्रिसमस इवेंट, दैट्स वाई। तो फिर मैंने 29 को की मेल, तो गाइज मैंने यही सेम अप्लाई किया, देखो मेरे को एक पहला एक टिकट नंबर मिल जाता है ना जो आपको मेल करते हो, फिर मैंने 21 को की थी, मेरा अलग टिकट नंबर था, तो गाइज फिर मैंने न्यू मेल की, मेरे को नया टिकट नंबर आया, बट गाइज वो भी मैंने मेल की थी 8 से 10 के बीच में मैंने वो मेल की थी, और गाइज मेरे को ना अगले दिन मिली वो मेल। बट देखो जो मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने जो मेरी 21 दिसंबर वाली टिकट मेल थी ना, उसमें भी मैंने रिप्लाई कर दिया था 29 को, और एक नई ईमेल भी बना दी थी, तो जो नई वाली ईमेल थी उसमें मेरे को पेमेंट लिंक आ गया था, और जो मेरी पुरानी वाली थी ना जिसमें मैंने की थी, उसमें बोला था कि आपको पेमेंट लिंक शेयर कर दिया है उस वाली में, मतलब कि इन द सेंस, तो वो मैंने पेमेंट कर लिया इजीली, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा और आपको ईमेल पे भी आ जाएगा। तो गाइज इतना वेट मत करो, कभी कभी हॉलीडेज आ जाता है उधर, तो थोड़ा ना काम लेट हो जाता है, इसीलिए गाइज मैं तो कहता हूँ कि हॉलीडेज़ को सब कुछ देख के आपको आगे पेमेंट लिंक जो अगर जल्दी चाहिए तो यही मेथड यूज़ करो, और ये बहुत यूज़फुल है गाइज, एक बार क्या कहते चेक करके मेरे को बताना कमेंट सेक्शन पे अगर ये सही होगा मेथड। तो गाइज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना, क्योंकि हाँ मतलब वीडियो यूट्यूब में मैंने बहुत सारे देखे थे कमेंट्स लोगों के, कि मैं भी जाता था कमेंट करता था, वहाँ पे बोलते थे कि एक वीडियो ऐसे बना दो, है ही नहीं कहीं। गाइज़ ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़ बने रहना, आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा ऐसी हेल्पफुल वाली। तो गाइज मैं इसलिए ये वाली वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे को खुद इतना फेस हुआ है, और मेरे को पूरे 10 दिन लगे हैं, और मैंने अपने फ्रेंड का मतलब कि मान लो 1 घंटे में उनका सब कुछ काम कर दिया, तो मेरे को थोड़ा बहुत शौक सा लगा था, बट चलो कोई नहीं, जैसा होता है डिसाइड होता है पीछे से वैसा ही होता है। चलो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई, अगर आपको नहीं पसंद तो डिसलाइक कर सकते हो। चलो भाई गाइज बाय।